हेलो फ्रेंड्स, पीलू एक्स्ट्रावेगेंजा के क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सेक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह पूजा जाता है। दुनिया में कहीं भी मैच हो भारत का, हम सभी लोग उस मैच का मज़ा लेते हुए अपनी टीम को एक अच्छा सपोर्ट देते हैं। दोस्तों, भारत में ऐसे दो कप्तान हो चुके हैं अब तक जिन्होंने अपने अपने दौर में भारत को दो बार विश्व कप जिताने का कारनामा किया है। जी हाँ, वो है 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव और 2011 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, कभी ऐसा हो कि इन दो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टनों के अंडर भारत की तरफ से खेले गए हुए अब तक के बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन करके दो टीमें बनाई जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, इन दो कप्तानों को लेकर भारत की दो टॉप की टीमें चुनकर उनमें अगर मैच करा दिया जाए कितना सारा मज़ा हम प्रेक्षकों को मिल सके। तो इसी विचारधारा पर हमने कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के अंडर भारत के दो टीम चुनकर ये सामने पेश करने की कोशिश की है। हालांकि भारत में अब तक बहुत सारे अच्छे कप्तान हो चुके हैं, जैसे कि विराट कोहली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा। लेकिन अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कप्तानों के बारे में अगर सोचा जाए तो वो कप्तान तो सिर्फ कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी हो सकते हैं। इसलिए हमने उन दोनों को उन चुने गए दो भारतीय टीमों का कप्तान बनाकर आपके सामने एक अच्छी टीम लाने का प्रयास किया है। ये दोनों टीमें होंगी कपिल्स इंडियन 11 और धोनीज इंडियन 11। कप्तानी के बाद अगर विकेट कीपिंग के बारे में अगर सोचा जाए तो कपिल्स इंडियन 11 साइड के लिए विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालेंगे राहुल द्रविड़ और धोनीज इंडियन 11 साइड के लिए विकेट कीपिंग करेंगे खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। वहीं अगर ओपनर्स के बारे में अगर सोचा जाए तो कपिल्स इंडियन 11 साइड के लिए ओपनर्स होंगे ताबड़तोड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग। वहीं दूसरी तरफ धोनीज इंडियन 11 के लिए ओपनिंग का जिम्मा संभालेंगे सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर। इन चारों के अलावा कोई दूसरा ओपनर हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर एक बैकअप ओपनिंग ऑप्शन के बारे में सोचा जाए तो शिखर धवन और क्रिस श्रीकांत ऐसे बैकअप ओपनर्स हो सकते हैं। वन डाउन बैटिंग के बारे में सोचा जाए तो कपिल्स इंडियन 11 के लिए वन डाउन आएंगे विराट कोहली और धोनीज इंडियन 11 के लिए वन डाउन बैटिंग का जिम्मा संभालेंगे गौतम गंभीर। इन दोनों के रिकॉर्ड्स इस पोजीशन पर हम सब इसके बारे में भलीभांति जानते हैं। इनके रिकॉर्ड्स, इनके नंबर्स और इनका इम्पैक्ट इस पोजीशन के लिए सबसे बेहतर है। वहीं अगर मिडल ऑर्डर बैटिंग के बारे में सोचा जाए तो कपिल्स इंडियन 11 के लिए मिडल ऑर्डर बैटिंग का जिम्मा संभालेंगे ऑलराउंडर युवराज सिंह, विकेट कीपर राहुल द्रविड़, अजय जडेजा और खुद कप्तान कपिल देव, जो बैटिंग के साथ साथ फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट का भी जिम्मा संभालने का मादा रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ धोनीज इंडियन 11 के लिए मिडल ऑर्डर बैटिंग का जिम्मा संभालेंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन, सुरेश रैना, खुद कप्तान और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। वहीं अगर बैकअप मिडल ऑर्डर और ऑलराउंड ऑप्शन के बारे में सोचा जाए तो कपिल्स इंडियन 11 के लिए मोहिंदर अमरनाथ और धोनीज इंडियन 11 के लिए रवि शास्त्री इस जिम्मेदारी का एज अ बैकअप ऑप्शंस भार संभालेंगे। बैटिंग डिपार्टमेंट के बाद अब स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कपिल्स इंडियन 11 के लिए स्पिन का भार संभालेंगे भजन सिंह और रविंद्र जडेजा। दूसरी तरफ धोनीज इंडियन 11 के लिए स्पिनर होंगे अनिल कुंबले। इसमें कपिल देव खुद कप्तान होने के साथ साथ फास्ट बॉलर होने के कारण उनके टीम में एक अतिरिक्त स्पिनर की जगह बनती है। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी के टीम में एक अतिरिक्त फास्ट बॉलर की जगह बनती है। इसमें अगर बैकअप स्पिनर के बारे में सोचा जाए तो कपिल्स इंडियन 11 के लिए बैकअप स्पिनर होंगे कुलदीप यादव और धोनीज इंडियन 11 साइड के लिए होंगे रविचंद्रन अश्विन। अब बढ़ते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस सेक्शन की तरफ, जो है पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट। कपिल्स इंडियन 11 साइड के लिए फास्ट बॉलर्स होंगे खुद कप्तान कपिल देव, जहीर खान और जसप्रीत बुमराह। वहीं दूसरी तरफ धोनीज इंडियन 11 साइड के लिए फास्ट बॉलर्स होंगे यवागल श्रीनाथ, मोहम्मद शमी, इरफान पठान और हार्दिक पांड्या।
फास्ट बॉलर होने के साथ साथ इरफान पठान और हार्दिक पांड्या बैटिंग में अपना योगदान भी ज़रूर देंगे। वहीं अगर बैकअप पेस बॉलर्स के बारे में सोचा जाए तो मनोज प्रभाकर और अजित आगरकर अपने अपने टीमों के लिए बैकअप पेस बॉलर की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो दोस्तों, ये रही हमारी तरफ से चुनी गई भारत की दो सर्वश्रेष्ठ टीमें, कपिल्स इंडियन 11 और धोनी इंडियन 11, जिसमें अगर कपिल्स इंडियन 11 की टीम की बात की जाए तो ओपनिंग का जिम्मा संभालेंगे रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग। वहीं वन डाउन बैट्समैन होंगे विराट कोहली। मिडल ऑर्डर बैटिंग का जिम्मा संभालेंगे ऑलराउंडर युवराज सिंह, विकेटकीपर राहुल द्रविड़, अजय जडेजा और खुद कप्तान कपिल देव, जो बैटिंग के साथ साथ फास्ट बॉलिंग का भी जिम्मा अपनी टीम के लिए संभालते हुए देखे जा सकते हैं। स्पिनर्स होंगे हरभजन सिंह और रविंद्र जडेजा और फास्ट बॉलिंग संभालेंगे कपिल देव, जहीर खान और जसप्रीत बुमराह। 12, 13, 14 और 15 प्लेयर्स के रूप में होंगे ओपनर शिखर धवन, ऑलराउंडर मोहिंद्र अमरनाथ, स्पिनर कुलदीप यादव और फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर। वहीं दूसरी तरफ धोनी इंडियन 11 टीम के बारे में सोचा जाए तो ओपनर्स होंगे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वन डाउन बैट्समैन होंगे गौतम गंभीर, मिडल ऑर्डर बैटिंग का जिम्मा संभालेंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन, सुरेश रैना, कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे अनिल कुंबले और फास्ट बॉलर्स होंगे इरफान पठान, जवागल श्रीनाथ और मोहम्मद शमी। 12, 13, 14 और 15 प्लेयर्स के रूप में होंगे ओपनर क्रिस श्रीकांत, ऑलराउंडर रवि शास्त्री, ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और फास्ट बॉलिंग ऑप्शन अजीत आगरकर। दोस्तों, इन दोनों टीमों में एक से एक तेज तर्रार बैट्समैन देखे जा सकते हैं, लेकिन हमें अगर किसी भी वनडे इंटरनेशनल को जीतना है तो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी एक बेहतर प्रदर्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमने स्पिन ऑप्शन और पेस ऑप्शन के हिसाब से दोनों टीमों के लिए कुछ ऑप्शंस वर्कआउट करके रखे हैं। कपिल्स इंडियन 11 में स्पिन ऑप्शंस होंगे 4 और पेस ऑप्शंस होंगे 3। वहीं दूसरी तरफ धोनी इंडियन 11 के लिए स्पिन ऑप्शंस होंगे 2 और पेस ऑप्शंस होंगे 5। मतलब यहाँ दोनों टीमों में 6 से ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये दोनों टीमें बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी अपने अपने टीमों को एक तगड़ा कॉम्बिनेशन बना कर देती हैं। तो दोस्तों, ये रहे हमारे भारत की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों का चयन। आपकी टीमों का चयन क्या हो सकता है, ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपने अपने टीमों का चयन बताकर। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए लीलू एक्स्ट्रा वैगेंजा चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।